हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज ये वीडियो नए बाल कैसे लाए उस पर नहीं होगी। आज इस वीडियो में मैं नए बाल कैसे लाए इस पर ऑलरेडी काफ़ी वीडियो बनाई है, और उसको करके मेरे कई भाई लोग को बहुत फ़ायदा हुआ। तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा, भाई ध्रुव भाई, जो बाल मेरे नए आए हैं, जो मेरे न्यू हेयर आ रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, जो जहाँ से चले गए थे, वो आप बताओ, जो बेबी हेयर हैं वो कैसे वो ठीक होंगे, और वो कब तक टिकेंगे, टिकेंगे भी कि नहीं। तो जितनी भी कन्फ्यूजन भाइयों की है, मैं इस वीडियो में सारी दूर कर दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम्हारे भाई की एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना और घंटे को जरूर दबाना, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो तुम तक सबसे पहले पहुँचे। और इस कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी आपको पूछना हो तो आप इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, आपका भाई तुरंत रिप्लाई देगा। तो इंस्टा की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइज, मैंने कैसे बाल लाया, मैंने वो सब आपसे शेयर किया, पूरा वीडियो में बताया। तो वीडियो में सारी वीडियो जब बना दी तो आपने उसको देखा और बहुत ही ज़्यादा प्यार किया। तो गाइज, उसको देखने के बाद जो जो मैंने बताया वो किया, आपको फ़ायदा हुआ। इसका प्रूफ ये है कि आप मैसेज करके बता रहे हो खुद कि भाई मेरे न्यू हेयर आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा और अच्छी खुशी की बात है, आप न्यू हेयर आ रहे हैं। तो अब मैं बताऊँगा कि जो आपके न्यू हेयर आ रहे हैं वो बेबी हेयर क्यों है। तो मेरे भाई, सिंपल सी बात है, कोई पैदा होगा तो बड़ा पैदा होते हुए नहीं होगा, आपको अच्छे से पता है। तो बेबी हेयर है उनको आपके ऊपर डिपेंड है ठीक कैसे करना है। तो गाइस, कुछ ज़्यादा नहीं, वो ठीक हो जाएंगे। अगर पहले तो आप समझो, जो बाल आते हैं वो बाल कम से कम आपको 2 से 3 महीने अच्छे बाल होने में, एक महीना लगेगा, थोड़ी से बेबी हेयर दिखेंगे, मतलब अच्छे से आपको लगेगा, वहाँ पे पता चल जाएगा कि हाँ हेयर आ रहे हैं, बट उसको ठीक होने में 2 या 3 महीना लगेगा। तो घबराने वाली बात नहीं है, ठीक बाल होंगे, बस टाइम दो। और जो तुम्हारे भाई ने वीडियोस में बताया उसको करो ना यार, बस कोई दिक्कत नहीं, ठीक हेयर हो जाएंगे। और एक कंफ्यूजन भाइयों की है कि मेरे भाई बोल रहे हैं कि जो भाई जो न्यू हेयर आ रहे हैं, ध्रुव भाई मैं ये बताओ, मैं उस पर ऑयल लगाऊँ कि ना लगाऊँ, क्योंकि वो बेबी हेयर हैं, वो टूटेंगे, टूट जाएंगे। तो यार, जो इतनी मुश्किल से पहले तो आए हैं वो टूट जाएंगे, तो मैं इसीलिए डर के मारा ऑयल नहीं। तो मेरे भाई, ऑयल लगाओ यार, ऑयल से कुछ नहीं होगा, हेयर टूटना यार, हेयर देखो नॉर्मली सबके टूटते हैं यार, और सिंपल सी बात, हेयर टूटेंगे तभी आएंगे नए। तो ऐसा कुछ नहीं, आपको ऑयल लगाना है, ऑयल में ईवीएम 400 जो मैंने बताई थी उसको मिक्स करके ऑयल आप अपने अनुसार कोकोनट ऑयल ले सकते हो, मस्टर्ड ऑयल अगर घर का हो तो सरसों का तेल वही अगर ले सकते हो, वो दोनों बहुत अच्छा होगा। तो ये दोनों में कोई भी एक यूज करो, वीक में 3 बार, आपको 3 या 2 बार जो जैसा आपको सही लगे 3 या 2 बार करना है। तो इसको करो, इससे बेबी हेयर आपके अगर टूटते भी हैं तो भाई वो नॉर्मल है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आपका बाल टूट भी रहा है, ऐसा कोई बता दो जिसका 1, 2 बाल या 10 बाल ना टूटता हो पड़े, तो ऐसा कोई नहीं है, सबके बाल टूटते हैं भाई। तो बाल टूटेंगे तभी आएंगे, और ये प्रॉब्लम तब होती है जब ये ज़्यादा टूटने लगे, तब हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाती है, तो तब टेंशन लेने की ज़रूरत है। अभी आपके 1, 2 बाल अगर जा रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप ऑयलिंग ना छोड़ना, वरना ऑयलिंग छोड़ोगे तो आज 1-2 जा रहे हैं, कल 50 जाएंगे, तब और दिक्कत में आ जाओगे। भाई ये कन्फ्यूज तुम्हारी दूर हो गई इस वीडियो की, ऑयलिंग तुम्हें करनी है, भले न्यू हेयर जो बेबी हेयर है उनको ठीक करना है तो ऑयलिंग करनी पड़ेगी। तो गाइस, आपके जो न्यू हेयर आएंगे वो बेबी ही होंगे, ऐसा नहीं है कि जो आएंगे तुरंत ही वो थिक में कन्वर्ट हो जाएंगे, हेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, यार बेबी ही रहेंगे वो, 2 से 3 महीने में एकदम हेयर थिक हेयर बन जाएंगे। तो आपको जो जो मैंने वीडियो में बताया है कि कौन सी एक्सरसाइज, शीर्षासन तो करना ही करना है, तो कौन सी सुबह ड्रिंक पीनी है, और क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैंने सारी वीडियोज 10, 12, 15 वीडियोज डाल दी है, सारी वीडियोज देखना और करना। बाल ना आए तो आना, चैनल सब्सक्राइब किया तो अनसब्सक्राइब मार देना, और कमेंट में जो भी मन में है बोल के जाना, ठीक, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ, ठीक भाई। और जैसा कि मैं सारी वीडियोस में बोलता हूँ, और तब तक बोलता रहूँगा जब तक आपको बिलीव नहीं होता, गाइस मैं ये बोलता हूँ कि ये चूतिया बनाने वाला चैनल नहीं है, ये जो मैंने मेरी लाइफ में मैंने हेयर फॉल से जूझा है, और हेयर फॉल मैंने आपको पिक दिखाया, देख लो पिक मेरी है, मैंने वीडियोज में भी प्रूफ दिखाया है कि मेरी पिक, मेरे बाल यहाँ से यहाँ तक चले गए थे, और उसको मैंने कैसे क्या क्या करके लाया, वही सिर्फ वीडियो में बताया, कोई फालतू की चीज़ नहीं बताई। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो वीडियो सिर्फ इसलिए थी कि आपके जो न्यू हेयर आ रहे हैं वो बेबी हेयर ही रहेंगे, और ऑयलिंग करनी, ऑयलिंग रोकनी नहीं है, क्योंकि जो न्यू हेयर हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे थिक हेयर में 2 से 3 मंथ में।
और एक गलती जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ वो नहीं करना, ये इसको आपको नहीं करना, वरना कुछ भी नहीं होगा, चाहे जो कर लो। तो वैसे ये थी छोटी सी वीडियो आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना कैसी लगी वीडियो। और गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तुम्हारा भाई हेयर से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम दूर कर देगा, इसकी गारंटी तुम्हारा भाई लेता है। और स्किन पिंपल कोई भी प्रॉब्लम आप बताओ, मैं वीडियो उस पर बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।